अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां यूनिवर्सिटी में हो गया भयंकर बवाल। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, कहा एक कपल, चार विदेशी और 300 लोग। धर्म परिवर्तन की सूचना से मचा हड़कंप और कहा कि महिला ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सिर पर बनाई 9 फीट की सीधी चोटी। शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ। गाड़ी पर पत्थर चलाते छात्र, यूनिवर्सिटी की सड़कों पर भागते हुए छात्र, गाड़ियों में आग लगाते हुए छात्र, पुलिस के सामने हंगामा काटते हुए छात्र, पुलिस के लाठियों से पिटते हुए छात्र। ये सीन जामिया या जेएनयू का नहीं, ये बवाल है यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, वो विश्वविद्यालय जो अपने फीस बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से लड़ रहा है। अब इस यूनिवर्सिटी में गोली चलाए जाने की खबर है। आरोप है कि एक पूर्व छात्र की झड़प यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बैंक के गार्ड से हुई, इसके बाद गार्ड्स की ओर से फायरिंग की गई। न सिर्फ फायरिंग की गई, छात्रों का आरोप ये भी है कि सारे गार्ड्स इकट्ठा हो गए और उसके बाद लोहे की रॉड से उन्हें पीटा गया। पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक का आरोप है कि वो बैंक में केवाईसी कराने पहुंचे थे, इसके बाद उन्हें गार्ड्स ने पीट दिया और उसके सिर में चोट लग गई। यूनिवर्सिटी कैंपस कब पुलिस कैंपस में तब्दील हो गई पता ही नहीं लगा। चारों ओर पुलिस वाले और उनके बीच में बवाल काटते हुए छात्र। छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जब तक प्रॉक्टर को हटाया नहीं जाएगा बवाल जारी रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। खुद कमिश्नर रमित शर्मा मौके पर पहुंचे और कहा कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। एक चर्च के अंदर ब्राजील के चार युवकों समेत एक दंपति द्वारा हिंदुओं को ईसाई धर्म के फायदे गिनाए जा रहे थे। चर्च में 300 से ज्यादा लोग बुलाए गए थे। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही विदेशी नागरिकों को भारत से वापस भेजने के लिए फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से संपर्क किया। मामला सदरपुर कोतवाली इलाके का है। गाँव वालों की सूचना पर पुलिस ने रात में ही छापेमारी की और डेविड व उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि ब्राजील के चार युवकों पर टूरिस्ट वीजा का गलत प्रयोग करने और वापस विदेश भेजने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरी अनोखी खबर महिला से जुड़ी हुई है। फेमस हेयर स्टाइलिस्ट दानी हिस्वानी का नाम सबसे ऊंचा हेयर स्टाइल बनाने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। हिस्वानी ने दुबई में क्रिसमस ट्री के आकार में 9 फीट 6.5 इंच लंबी हेयर स्टाइल बनाया। इस हेयर स्टाइल का वीडियो हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस अनोखे हेयर स्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर लोग दानी को ट्रोल भी कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला हेलमेट पहनी है, हेलमेट में तीन धातु के डंडे भी नजर आ रहे हैं। क्रिसमस ट्री जैसा हेयर स्टाइल करने के लिए दानी हिस्वानी ने विग हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया, वहीं हेयर स्टाइल करते हुए बॉल्स का भी इस्तेमाल किया गया। वीडियो का कैप्शन है, दानी हिस्वानी द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा हेयर स्टाइल 9 फीट 6.5 इंच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दानी फैशन की दुनिया में पिछले 7 साल से हैं। खुद दानी हेयर स्टाइलिंग का पेशा न मानते हुए इसे एक कला के तौर पर मानती है। दानी ने इससे पहले एक महिला के सिर पर हेयर स्टाइलिंग करते हुए एक छोटा क्रिसमस ट्री बनाया था। इस बार उन्होंने सबसे ऊंचा हेयर स्टाइल बनाने का चैलेंज लिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।